जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे आसमानी बिजली क्या होती है, क्या होती है लाइटनिंग स्ट्राइक जिससे कि व्यक्ति की मौत हो जाती है, और बादल गरजने से आवाज़ क्यों हो जाता है जिसे थंडर स्टॉर्म कहते हैं, क्या इन बिजली से बचा जा सकता है, क्या एक ही जगह पे कई बार बिजली गिर सकती है, क्या इसे हम स्टोर कर सकते हैं। तो समझिए, देखिए बिजली में सबसे पहला एक चीज़ आता है कि इसमें हमको साउंड बाद में सुनाई देता है, आवाज़ पहले दिख जाती है। तो इसका तो नॉर्मल रीज़न है, आवाज़ की जो गति होती है वो बहुत धीमी होती है, इसलिए आवाज़ बाद में आता है। तो स्पीड तेज होने की वजह से लाइट पहले आ जाता है और साउंड बाद में आती है। गर्मी में पानी जो होता है भाप बनकर ऊपर उठ जाता है, और भाप बनकर जब ऊपर उठता है तो ऊंचाई पर जाने पर प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है। ये कमी क्यों आती है आपको ज्योग्राफी में बताएंगे। और ये जब ऊपर जाते हैं तो ये बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े का रूप ले लेते हैं, जिसमें आप लोग कई बार देखते होंगे आसमान से बर्फ गिरता है। यही बर्फ जो होते हैं हवा के कारण आपस में टकराने लगते हैं, और टकराने से घर्षण उत्पन्न हो जाता है, और घर्षण के कारण स्टैटिक करंट उत्पन्न हो जाता है, और यह करंट का जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो ऊपर चला जाता है और निगेटिव चार्ज हो जाता है वो नीचे आ जाता है। अब ये निगेटिव जो होता है ना पॉजिटिव को ढूंढता है कि हमको जहां पॉजिटिव मिल जाएगा वहां हम गिर जाएंगे। अब जब जमीन देखिए, जब बादल आते हैं तो जमीन पे हवा भी चलने लगती है, आंधी वगैरह भी आने लगता है, तो जिस वजह से घास वगैरह घर्षण के कारण इनमें भी चार्ज उत्पन्न हो जाता है। अब इनका जो चार्ज होता है पॉजिटिव ऊपर होता है, निगेटिव को तो लेकर चला जाता है अर्थ। अब देखिए ये निगेटिव पॉजिटिव को खोज ही रहा था, मिल गया और यहां गिर जाता है। इसी को हम लोग ब्रजपात कहते हैं, बिजली का गिरना कहते हैं। आसमानी बिजली जो गिरती है, इस बिजली का जो वोल्टेज होता है ना 10 करोड़ वोल्ट होता है। हम लोग के घर में जो करंट आता है 220 का आता है, 10 करोड़ वोल्ट मारेगा ना आदमी कौवा बन जाता है। इसको हम 100 मेगावाट की बिजली बोलते हैं, और इसमें जो करंट होता है वो 10,000 एम्पियर होता है। 5 एम्पियर के करंट पे आपका फ्रिज वॉशिंग मशीन कूलर ये सब चल जाता है 5 एम्पियर पे। और ये जो होते हैं सोचिए 10,000 एम्पियर का करंट लगता है इसमें। इसमें जो हीट निकलती है वो हीट जो होती है 27,000 से लेकर 30,000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य का तापमान जो जुड़ा होता है 6,000 डिग्री सेल्सियस सरफेस का। अब बताइए ये इतना भयानक टेम्परेचर होता है, और लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यही होती है इसकी टाइमिंग बहुत कम होती है, 0.0005 सेकंड, ये मिली सेकंड में होता है। इतना कम समय के लिए होता है कि ये ज्यादा खतरा नहीं उत्पन्न कर सकता है। अब समझते हैं इसमें आवाज क्यों आती है। देखिए जो लाइटनिंग होती है, ये बिजली होता है, इसका टेम्परेचर तो 27,000 यानी लगभग 30,000 डिग्री सेल्सियस होता है, और हवा में जो बारिश की बूंदे होती है वो तो ठंडा होता है, तो ठंडे के पास गर्म चीज को ले जाएंगे तो बहुत तेज आवाज करता है। जैसे गर्म रॉड को पानी में डालिएगा तो बहुत तेज आवाज करेगा। आप इसको किचन में देखते होंगे, तड़का लगाया जाता है ना, जब सब्जी उब्जी को छौंका जाता है तो तेल एकदम गर्म रहता है, और उसमें आप सब्जी डालेंगे तो हल्ला करने लगता है, ये पगला ही का एक डाल रहा है जी, हम गर्म में ठंडा क्यों मिला रहा है, वही आवाज आने लगता है। तो यही जो होता है बिजली जो होता है उसका टेम्परेचर इतना तेज होता है कि वायुमंडल की हवाएं जो होती हैं वो क्या होती है दूर हटने के प्रयास करती है, क्योंकि जब गर्मी आता है तो गर्मी के कारण हवाएं दूर होती हैं। इसका टेम्परेचर इतना तेज होता है कि वहां पर जो हवा के पास जो नमी वगैरह रहती है उससे उसको वाष्प बना के उसको बहुत तेजी से हटाता है, जिस वजह से एक आवाज उत्पन्न हो जाती है। आसमान से गिरने वाली बिजली से बचने के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने एक लाइटनिंग कंडक्टर या लाइटनिंग रॉड का निर्माण किया था, जिसे हम तड़ित चालक कहते हैं। ये कॉपर का बना होता है। ये क्या करता है, इसको हम लोग घर के ऊपर लगा देते हैं, और इसे वायर के द्वारा, यहां आप देख रहे होंगे यहां मोटा वायर लगाया गया है, इस मोटे वायर के द्वारा इसे हम लोग अर्थ यानी ग्राउंड में कर देते हैं। जो ग्राउंड होता है वो एक चार्ज सिंक होता है, यानी इसमें कितना भी हाई वोल्टेज का करंट दे दीजिएगा पृथ्वी को वो खींच के अंदर लेके चला जाता है। तो ये केवल इसको टांग देने से नहीं होता है, इसके साथ साथ इसके अंदर हम लोग को ग्राउंड भी करना रहता है। टावर में भी देखेंगे ऊपर ये जो होता है तड़ित चालक होता है लाइटनिंग रॉड, और इसको वायरिंग द्वारा नीचे ले जाया जाता है। तड़ित चालक कॉपर का बना होता है। इसमें होता क्या है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि आप जो करंट आ रहा है उसको जल्दी से जल्दी ग्राउंड पे भेजिए, अगर वो ग्राउंड पे चला जाएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बगल में भी खड़े रहेंगे तो कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन उसको तेजी से भेजना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके लिए घातक हो जाएगा। सोचिए क्या होगा अगर कोई हवाई जहाज हवा में जा रहा है उस पर बिजली गिर जाए, जहाज गिर जाएगा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है। जहाज जो होते हैं ड्यूरेमिन के बनाए जाते हैं, अल्मीनियम का वो एक एलॉय होता है, और इसकी एकदम चिकनी पेंटिंग की जाती है ताकि इस पर जब भी बिजली गिरे तो इतना करंट जो होता है वो करंट चारों ओर फैल जाए, और ये जो राउंड शेप का जो एरोप्लेन होता है तो चारों ओर बिजली फैल के नीचे चली जाती है। दूसरा एक और बात समझिए, जो एरोप्लेन होता है अंदर से खोखला होता है, और आप पढ़े होंगे फैराडे का
केज, एक पिंजरा बनाया था फैराडे ने, और उस पिंजरे पे बिजली देते थे और अंदर रहते थे, तो उन पे बिजली नहीं आती थी क्योंकि बिजली जो होती है सरकमफेरेंशियल फ्लो करती है और एकदम शॉर्ट रास्ता खोजती है। तो आप कहेंगे सर पिंजरा को छुएंगे तो नहीं मारेगा, देखिए यहाँ पिंजरा को टच भी कर दीजिएगा ना तो हाई वोल्टेज का करंट भी नहीं मारेगा। क्यों? क्योंकि ये पिंजरा बहुत ही बढ़िया कंडक्टर से बना हुआ है, जितनी बिजली मिल रही है उसे पटाख से ये ग्राउंड में भेज दे रहा है, आप छुइएगा तो आपके लिए कुछ छोड़ ही नहीं रहा है। तो ये जो हवाई जहाज होता है एक पिंजरा का काम करता है, हम अंदर सेफ बैठे रहते हैं क्योंकि करंट सरकमफेरेंशियल बाहर बाहर फ्लो करके और नीचे चला जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब बिजली तड़कती है तो सबसे सुरक्षित जगह आपके लिए कोई कार होता है, कार के अंदर घुस के बैठ जाइए, कार वही फैराडे के पिंजरे के समान काम करता है। जब भी बिजली गिरती है तो वो जल्दी से जल्दी किसी कंडक्टर को खोजती है। यहां आपको कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है, हम बता देते हैं कहां कहां ज्यादा बिजली गिरने की संभावना होती है। जैसे बिजली तड़कता है तो आपका मोबाइल जो होता है टावर से कनेक्ट रहता है, इसलिए बिजली मोबाइल की ओर तेजी से भागता है। देख रहे हैं इसे सुरी बतिया रही है, पता नहीं कहां खूब मन से बतिया रही है, यह है ना अभी थी हो जाएगी, जैसे बिजली गिरेगा थी। तो इसलिए जब बिजली गिरे ना तो नहीं कि छत पे बतिया हाँ खाना खा ली, ये सब नौटंकी नहीं, अंदर रहना चाहिए, गिर जाएगा तो थे हो जाएंगे आप। पेड़ वगैरह के पास भी बिजली ज्यादा गिरती है। अब लोग कहते हैं दुधारू पेड़ के पास बिजली ज्यादा गिरती है, देखिए दुधारू पेड़ जिसमें दूध वगैरह होता है जैसे बरगद को ऐसे मारिए तो हल्का हल्का दूध निकलने लगता है उसमें लिक्विड, तो दुधारू पेड़ से मतलब नहीं है। देखिए दुधारू पेड़ जो होते हैं उसमें ज्यादा भीगा होता है, वो जो भीगा वो ज्यादा होता है इसलिए वो ग्राउंड से ज्यादा जुड़े रहते हैं। अब जो बिजली आ रही है वो ग्राउंड पे जाना चाहती है, उससे पहले ही आपको 20 फीट ऊपर पेड़ मिल जाएगा, कहेगा इधर से चलो ना। इसलिए बिजली गिरते समय या बारिश के समय पेड़ के नीचे नहीं रहना जाता है, जब बिजली तड़क रही होती है तो इस पर गिरने की संभावना ज्यादा रहती है। खाली मैदान में बिजली बहुत तेजी से गिरता है, इसलिए खाली मैदान में भागना नहीं चाहिए, वरना भागेंगे तो आप ही के ऊपर गिर जाएगा। खाली मैदान पे बैठ जाना चाहिए, उसको हम समझाएंगे। खाली मैदान पे भी गिरता है, खिड़की वगैरह पे मत झांकने लगिएगा, ऐसे लोहा का रेलिंग पकड़ के वाह बहुत अच्छा बिजली तड़क रहा है, गिर जाएगा इसी पे चल जाएंगे आप। यहां पे जो बिजली होती है वो तालाब के पास ज्यादा गिरती है, इसलिए बिजली के समय तालाब समुद्र के किनारे नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहां की बिजली गिरेगी तो ग्राउंड लेते हुए आपको भी चली आएगी वहां पर। ये टावर से हमेशा दूर रहिएगा, हालांकि टावर ऊपर तड़ी चालक लगे रहते हैं लेकिन उसके पास में भी उसका असर ज्यादा रहता है, वो इतना हाई वोल्टेज रहता है कि थोड़ा सा भी आपकी जान ले सकता है। आपको एक और गलती नहीं करना है, जब बिजली तड़क रही होती है तो लोग छाता लगा लेते हैं, छाता का जो रॉड होता है आप रॉड को पकड़े रहते हैं, आप जमीन पर रहते हैं तो जमीन से रॉड जो होता है ना ग्राउंड हो गया रहता है और ये छाता को पकड़ के मार देता है, करंट बहुत तेज बिजली गिर जाती है। देखिए बकलोलिया पता नहीं किसका इंतजार कर रही है छाता लगा के, अभी जाएगी यो धड़ाम से गिरेगा चल जाएगी। देखिए ज्यादातर जो बिजली गिरता है हर साल इंडिया में 2500 लोग बिजली गिरने से मरते हैं, लेकिन ज्यादातर बिजली डायरेक्ट आदमी के ऊपर नहीं गिरता है, ये स्टेप पोटेंशियल द्वारा गिरता है। हम आपको अभी जस्ट पहले जो वीडियो बनाए थे जिसमें बताए थे बिजली घर तक कैसे पहुंचती है, उसमें स्टेप पोटेंशियल बताए थे कि कहीं करंट गिर जाता है ना तो आसपास के एरिया में वो करंट फैला देता है। तो ये जो स्टेप पोटेंशियल हो जाता है ना, जैसे इस पेड़ पे बिजली गिरी, अब ये राउंड वाला एरिया देख रहे हैं ना, यहां तक इसका एरिया है, तो आप इस पेड़ से दूर में भी रहेंगे ना तो बिजली गिरेगा पेड़ पर, लेकिन आप उसके स्टेप पोटेंशियल के एरिया में आ गए हैं आपको मार देगा। तो ज्यादातर जो बिजली गिरती है वो स्टेप पोटेंशियल के कारण ही मारती है और ये डायरेक्ट से भी ज्यादा खतरनाक होती है, इससे ही ज्यादा लोग मरते हैं। एकदम टिप के आदमी को खोपड़िया पे नहीं गिरता, अगल बगल में गिरता है, उसके रेंज में आ जाने से आदमी की मौत हो जाती है। बिजली गिरने से जो मौत होती है उसका ज्यादा इफेक्ट जो होता है हमारे नर्वस सिस्टम ब्रेन पे पड़ता है और हार्ट और लंग्स पे ज्यादा असर पड़ता है, ये एकदम सीज कर जाते हैं और इसका धड़कना रुक जाता है जिस वजह से व्यक्ति की मौत हो जाती है। अब कहते हैं लोग कि मेल जो होते हैं पुरुष का साइन ऐसे होता है, मेल पे 80% बिजली गिरती है और फीमेल पर 20% गिरता है। आप कहेंगे ये सुजरी कैसे बच जाती है सब, देखिए बचती नहीं है, ये तो अंदर ही रहती है सब, जब से पैदा होती है सब लड़की सब, तो वो तो लॉकडाउन उन सब के लिए पैदा इसी लॉकडाउन है, लड़का बाहर और घूमते रहता है मरता रहता है, कभी एक्सीडेंट से मरेगा, कचरा के मरेगा, कभी पतंग लूटने में मरेगा, सब नौटंकी लड़कों के भरोसे है तो मरेगा कौन लड़की। देखिए ऐसा नहीं है कि बिजली का झटका जो लगेगा तो 100% मरिए जाएंगे, बहुत से लोग बिजली के झटके से बच जाते हैं। बिजली का झटका जब लगता है तो उससे एक आपके शरीर पर एक दाग बन जाता है जिसे हम कहते हैं लिचेनबर्ग। ये जो दाग होता है ये पेड़ के जड़ के समान हो जाता है, आप देखिए इस तरह से दाग बन जाता है, टैटू टाइप का बन जाएगा, जहां लगेगा बहुत खतरनाक हो जाएगा। तो ये बहुत कम शॉट लगा है या फिर ये कह सकते हैं कि बिजली का मेन हिस्सा दूर गिरा है, ये केवल उसके चपेट में आ जाने से इस तरह के दाग बन जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जहां एक बार बिजली गिर जाती है वहां दोबारा नहीं गिरती है, गलत बात है। अमेरिका के स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास बहुत बार बिजली गिरते रहता है। राय सुलिवान नामक व्यक्ति
व्यक्ति के ऊपर 7 बार बिजली गिरा था और 7ों बार के बिजली के झटका को वो सो गया, वो आज भी जिंदा है। ऐसा नहीं कि बिजली केवल नुकसान ही करता है। एक व्यक्ति जिसका शरीर लकवाग्रस्त था, वो व्हीलचेयर से नहीं उठ सकता था, एक बार वो अपने गार्डन में टहल रहा था इसे व्हीलचेयर पे, तब तक बारिश शुरू हो गया, उसके ऊपर बिजली गिर गई, वो बेहोश हो गया। अगले दिन जब हॉस्पिटल से उसका आंख खुला तो उसका दिमाग का जो नस वगैरह था वो ठीक हो गया और उसका लकवा ठीक हो गया, वो चलने लगा। तो ये वरदान भी हो सकता है किसी के लिए, लेकिन इसकी संभावना ना के बराबर है। आपको हम बताएं कि बिजली कहां गिरने की संभावना रहती है और हमें क्या नहीं करना चाहिए। आप समझते हैं हमें क्या करना चाहिए अगर हम बाहर कहीं गिर गए तब? देखिए, अगर आप कहीं मकान वगैरह में हैं तो सुरक्षित मकान के अंदर रहें, ये ज्यादा सुरक्षित है। लेकिन अगर आप खुले मैदान में हैं तो दौड़िए कभी भी नहीं, क्योंकि दौड़ने से आपके पैर के घर्षण से वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और वो चार्ज को खींचने लगता है। आपको तुरंत नीचे बैठ जाना चाहिए, खड़े रहेंगे तो आपका एरिया ऊपर हो जाएगा और आप बिजली के संपर्क में आने से ज्यादा संभावना रहेगी। इसलिए बैठ जाना चाहिए और कान ढक के बैठना चाहिए कि कान के पर्दे पर कोई नुकसान ना करे, और एक दूसरे से कम 100 फीट का गैप बनाकर बैठना चाहिए, क्योंकि एक पास बैठने से वहां पर चार्ज को खींचने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि हर एक व्यक्ति जो होता है वो अपने आप में एक कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी को ले जा सकता है, इसलिए एक पास बैठिएगा तो बिजली आके गिर सकता है। दूरी दूरी पर बैठना चाहिए। देखिए, ये जो बिजली होती है ये बादलों के टकराने के कारण ही उत्पन्न होती है, और बिजली को हम 3 प्रकार से बांटते हैं। एक होता है इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग, यानी जब बादल जो होता है छोटा सा बादल का समूह होता है, इसी में एक ऊपर प्लस हो जाता है नीचे माइनस हो जाता है, और इसी में टकराने के कारण जो बिजली उत्पन्न होती है उसे इंट्रा क्लाउड कहते हैं। ये बहुत ही कम दिखाई देता है और इससे आवाज भी नहीं आती। आप जितने भी बिना आवाज वाली बिजली देखे हैं वो इंटर क्लाउड होती है, यानी एक ही बादल दूसरे से नहीं टकराया है, अपने का ही चार्ज दूसरे को ट्रांसफर कर दिया है। अब जो दूसरा होता है वो क्लाउड टू क्लाउड, जैसे एक बादल इधर है और दूसरा बादल इधर है, अब बादल बादल आपस में टकरा जाते हैं, तो उसे क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग कहते हैं। ये बहुत ही बड़ा होता है और इसमें आवाज बहुत ही तेज होती है, ज्यादातर आप यही देखते होंगे। अब एक होता है क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग, यानी बादल से सीधे ग्राउंड पे आ गया, तो इसको तो आप सीधे बोलते हैं ब्रजपात, यानी बिजली गिर गया। ये बहुत भयानक आवाज करता है क्योंकि आसपास गिर गया रहता है। यही है, इसके बारे में तो हम आपको सब कुछ बता दिए, तो ये आप समझ गए क्या सावधानियां हैं, कहां गिर सकते हैं, कितने प्रकार का हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि राजनाथ सिंह रूस में गए और पुतिन ने उन्हें क्या दिया है, और रूस से आया आईएल जहाज भारत के लिए कौन से हथियारों को लेके आया है। कुछ लड़कों का कहना है कि सर आप जो वीडियो बनाए थे कि चाइना को कैसे बायकॉट किया जाए, चाइना के सामानों को बंदरगाहों पे क्यों ना फंसा दिया जाए, तो लोगों का कहना है कि शायद यही गवर्नमेंट ने सुन के ऐसा काम तो नहीं किया, लेकिन अभी इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन चाइना के जो शिपमेंट आ रहे हैं उन्हें चेन्नई और मुंबई बंदरगाह पर काफी देर तक रोका जा रहा है वहां पर कस्टम के कारण। इसमें क्या हकीकत है, इसको हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब समझाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।